आज का ये वीडियो बहुत ही हैप्पी 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 होने वाला है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी बिहार बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आज जारी होने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है बम्पर रिजल्ट बनने वाला है सभी स्टूडेंट्स का। दोस्तों, रिजल्ट को लेकर जो स्टूडेंट्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज की इस वीडियो में आपको बता दूँ कि रिजल्ट आज जारी होने वाला है, कितने बजे जारी होगा। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स फेल होंगे, कौन कौन स्टूडेंट्स पास होंगे। अगर जो स्टूडेंट्स एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं तो उनको ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी है, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, चैनल पर न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी आपको इसी तरह अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2022 कॉपी चेकिंग रिजल्ट इस तारीख को जारी। BSEB 10वीं का रिजल्ट जो है 2022 मार्कशीट PDF में डाउनलोड के साथ यहाँ पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इंटरमीडिएट के छात्र जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसी वेबसाइट आप लोगों को रिजल्ट चेक करना है, biharboardonline.bihar.gov.in, ठीक है। इसी वेबसाइट पर आपको रोल नंबर रोल कोड के माध्यम से रिजल्ट को चेक करना है, क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट इसी वेबसाइट पर जारी होगा। यहां पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड BSEB पटना में कुल 1473 सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 13,05,000, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते 13.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसका रिजल्ट बिहार बोर्ड के इस वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। देखिए biharboardonline.gov.in, ठीक है, ध्यान रखें, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। 12th का रिजल्ट इसी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जान लेते हैं, बिहार बोर्ड चेकिंग जो है, कॉपी चेकिंग जो है मैट्रिक के छात्रों का शुरू है, लेकिन इंटरमीडिएट के छात्रों का कॉपी चेक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको यह भी बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि यदि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाओ, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा जो है फरवरी में लिया गया था, आपको मालूम है, और रिजल्ट जो है मार्च में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैट्रिक के छात्र हैं उनका रिजल्ट जो है अंतिम मतलब के रूप में जारी होगा। अब यहां पर सुन लीजिए, 10वीं और 12वीं का परिणाम कैसे देखना है। सबसे पहले जैसे कि इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद पेज के दाईं तरफ रिजल्ट का नाम एक आइकॉन का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब BSEB कक्षा 12वीं परिणाम या संबंधित नाम वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। छात्र को रोल नंबर दर्ज करके अपना परिणाम देख लेना है, ठीक। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ जो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए और बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 10% ग्रेस अंक इस बार मिलेगा, 10% ग्रेस अंक जो है बिहार बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स एक या दो विषय में फेल हो गए होंगे, अगर मान लीजिए रिजल्ट आपका जारी होगा आज, अगर मान लीजिए एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं, 2-4 नंबर से या 10 नंबर से, तो आपको रिजल्ट ग्रेस अंक देकर पास कर दिया जाएगा। ग्रेस अंक का पता कैसे चलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमें ग्रेस अंक मिलेगा तो कैसे पता चलेगा। ग्रेस अंक जब आपको मिलता है तो आपके रिजल्ट पर रेगुलेशन का ऑप्शन लिखा होगा, ठीक है। जब रेगुलेशन का ऑप्शन लिखा होगा तो समझ लीजिएगा आपको ग्रेस अंक मिला है, ठीक, इस बात का ध्यान रखें। और जिन विद्यार्थी को ग्रेस अंक मतलब कि नहीं मिला है, उनका रेगुलेशन ऑप्शन नहीं लिखा होगा, ठीक है, यह बात ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट्स, ओके। अब यहां पर इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज रिजल्ट जो है 3 बजे जारी हो जाएगा, 3 बजे करीब में रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। 3 बजे आसानी से रिजल्ट को आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं वेबसाइट पर, देखिए सबसे पहले गूगल पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा biharboardonline.com, ठीक है। यहाँ पर देखिए biharboardonline.bihar.gov.in, ठीक है, क्लिक कर देना है। देखिए रिजल्ट इसी वेबसाइट पर जारी होगा, इसीलिए सर्वर जो है पहले से ही स्लो काम करना शुरू हो गया है, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, इस अगर ये सर्वर स्लो काम कर रहा है तो एक और वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिजल्ट कई वेबसाइट पर जारी किया जाता है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखते जाइए, मैं नोट करते जाइए, ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर नोट करते जाइए। इसी वेबसाइट पर भी आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा, onlinebseb.in, ठीक है, यहाँ पर नोट करते जाइएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको ऑनलाइन, ठीक है,
डॉट बी एस ई बी एस ई बी डॉट सॉरी दोस्तों यहाँ पर बी एस ई बी डॉट इन, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर भी आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि यह भी ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन मेन ऑफिशियल वेबसाइट जो है बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इसका सर्वर अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, अभी से ही रिजल्ट अपलोड हो रहा है। अब आप लोगों का रिजल्ट अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 बजे तक पूरी तरह से रिजल्ट अपलोड हो जाएगा और ये वेबसाइट भी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें और इस वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहें। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय।